Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your science teacher, Ms. Farhin, and I welcome you all to your science class. My dear students, as you know, we are on chapter number six, and the name of our chapter is Light and Sound. Today, we are going to discuss about location of shadow from a light source. यानी कि शेडो जब बनता है तो लाइट सोर्स जो है वो कितना दूर या करीब जो है होता है तो उसकी वजह से साइज ऑफ द शेडो जो है वो इफेक्ट होता है वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट टुडे बट बिफोर दैट लेट्स क्विकली रीकैप व्हाट वी डिड इन द प्रीवियस लेक्चर फॉर दैट टू द लिस वेरी केयरफुली देन आंसर हाउ आर शेडोज ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर्म वेन द लाइट इज ब्लॉक्ड बाय एन ओपेक ऑब्जेक्ट शेडोज ऑफ फॉर्म सो डज द डेडोज सेम एज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट यस the shadow of the object is same as the um, uh, as the object okay my dear students now is the time for activity so here you can see three boxes with the torch look at them very carefully they are blocking the light of the flashlight so take a torch and two boxes put one box close to the torch and one far from the torch then observe their shadow on the wall

क्या वो सेम तरह का शेडो है उसका शेप और साइज जो है वो एग्जैक्टली exactly सेम है यू हैव टू ऑब्जर्व दैट सो क्विकली पॉज द वीडियो एंड डू दिस एक्टिविटी आई होप एवरीबडी हैज डन इट अभी आगे चल के मैं आपको ये एक्टिविटी करवाऊंगी सो so, अगर आपने इस एक्टिविटी को अभी तक नहीं किया तो मेरे साथ आगे चलकर इस एक्टिविटी को परफॉर्म कीजिएगा सो माई डियर स्टूडेंट्स एंड टूडेज लेक्चर स्टूडेंट्स विल बी एबल टू द लोकेशन साइज एंड शेप ऑफ अ अ फ्रॉम लाइट सोर्स रिलेटेड टू पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट सो आज हम साइज और शेप जो है शेडो की उसको प्रोडक्ट करेंगे फ्रॉम द लाइट सोर्स ओके सो माई डियर स्टूडेंट्स लेट्स क्विकली मूव फॉर्वर्ड टुवर्ड्स द प्री रीडिंग क्वेश्चन सो क्विकली टेल मी हाउ पोजिशन ऑफ सन इफेक्ट्स आर शेडोज सो माई डियर स्टूडें सन जो है इट राइज फ्रॉम द ईस्ट स्टेट्स इन द वेस्ट और डे के मुख्तलिफ टाइमिंग पे सन की पोजिशन जो है वो डिफरेंट होती है फॉर एग्जाम्पल इन द मॉर्निंग इट इज़ इन द ईस्ट और उसके बाद नून में वो जो है एट इन द आफ्टरनून बिल्कुल ऊपर होता है हमारे तकरीबन 12 बजे के करीब और उसके बाद जैसे जैसे शाम होती है इट मूव्स टूवर्ड्स द वेस्ट तो इससे क्या शेडो की पोजिशन जो है वो चेंज होती है इससे की पोजीशन चेंज होती है ये हम पहले ग्रेड्स में भी पढ़ चुके हैं कि जो है, वो हमेशा जो है ऑब्जेक्ट के ओपोजिट जो है वो फॉर्म होता है तो जैसे ही सन की पोजीशनिंग चेंज होती जाती है इसी तरीके से शेडो जो है वो भी चेंज हो जाता है सो माय डियर स्टूडेंट्स नाउ क्विकली मूव फॉरवर्ड टूवर्ड्स रीडिंग फॉर दैट क्विकली ओपन पेज नंबर एटी इन योर साइंस बुक्स

सो, डियर स्टूडेंट्स, लाइट की जो बेसिकली दो चीजें हैं जो लाइट को इफेक्ट करती हैं एक तो पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट है लाइट सोर्स है और इसके अलावा उसका डिस्टेंस क्या कैसा है ये तीन दोनों चीजें जो है वो इफेक्ट करती हैं सो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ लाइट सोर्स अडो विल बी बिगर इफ द लाइट सोर्स इज क्लोज टू द ऑब्जेक्ट सो अगर लाइट सोर्स ऑब्जेक्ट के करीब है तो उसका शेडो जो है वो बड़ा होगा द शेडो विल बी स्मॉलर इफ द लाइट सोर्स इज अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट फॉर एग्जाम्पल इफ योर फ्रेंड ब्रिंग्स द टॉर्च क्लोजर टू यू योर शेडो विल बी बिगर इफ ही टेक्स द टॉर्च अवे फ्रॉम यू योर शेडो विल बी स्मॉलर सो है यू कैन सी द लाइट सोर्स इज क्लोजर टू द ऑब्जेक्ट यहां लाइट सोर्स जो है वो ऑब्जेक्ट के करीब है तो आप देख सकते हैं कि उसका जो शेडो है वो बड़ा बन रहा है इसी तरह से ऑब्जेक्ट जो लाइट uh, सोर्स जो है वो अगर दूर है तो so शेडो जो है यू कैन सी दैट इट इज स्मॉलर। पोजीशन ऑफ लाइट सोर्स द साइज ऑफ द शेडो डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन ऑफ द साइज ऑफ द शेडो डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन ऑफ द लाइट सोर्स तो जो साइज है शेडो का वो लाइट के पोजीशन पे डिपेंड करता है कि वेदर इट इज डाउन अपवर्ड किस पोजीशन पे है लाइट आर शेडो कास्ट बाय द सन बिकॉज शॉर्टर फ्रॉम डॉन अंटिल मिड वे एंड देन लेंथन डस्क द मेन रीजन बिहाइंड द चेंज इन द साइज ऑफ द शेडो इज द पोजिशन ऑफ द लाइट सोर्स दैट इज द सन सो आप देख सकते हैं कि हमारे जो शेडोज हैं उनकी जो पोजिशनिंग है वो चेंज होती रहती है क्योंकि जो सोर्स है लाइट का वो मूव कर रहा है तो जैसे जैसे सन नीचे होता जाता है तो आप देख सकते हैं कि मॉर्निंग में और इवनिंग में जो शेडोज uh, हैं वो लॉन्गर होते हैं वेयर एज इन द मिड डे दे आर शॉर्टर तो इस वजह से पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट और जो सोर्स है उसकी वजह से भी साइज uh, जो शेडो है और शेप है वो चेंज होती जाती है सो है यू कैन सी दिस इज द सन एंड दिस इज द बॉय और इसका शेडो जो है वो यहां नीचे कास्ट होगा तो इस तरीके से ये अपने शेडो की पोजिशन को चेक कर सकता है न सी द शेडो ऑफ द फैंस ओके है यू कैन सी अब आप देख सकते हैं कि बॉक्स का शेडो जो है वो बहुत छोटा है बिकॉज द लाइट सोर्स इज एट द टॉप अब सेम बॉक्स है सेम लाइट सोर्स है अगर ये इसके करीब है तो यू कैन सी द लाइट द शेडोज आर लॉन्गर वेयर आर है यू कैन सी द शेडो इज अगेन शॉर्टर ठीक है सो इन दिस वे वी कैन सी द शेडोज एंड दे आर चेंजिंग सो अब मेरे पास जो है मैंने एक व्हाइट शीट ली है एक पेपर कप है विद द हेल्प ऑफ द फ्लैश लाइट आई विलक इट ओके? आई विल स्विच ऑफ द लाइट्स एंड देन आई विल मेक द सो नाउ आई विल स्विच ऑफ द लाइट एंड वी विल स्टार्ट मेकिंग द शेडो है यू कैन सी द साइज ऑफ द शेडो इज वेरी लॉन्ग आप देख सकते हैं कि ये शेडो जो है वो बड़ा है जैसे जैसे मैं इसको दूर लेकर जाऊंगी आप देख सकते हैं कि शेडो जो है वो बहुत छोटा हो गया लेकिन शेडो की पोजिशन किस तरह से चेंज होती है अगर आप इसको ऊपर लेकर आएंगे तो शेडो बिकम्स वेरी स्मॉल इसी तरह आप इसको नीचे ले आएंगे तो शेडो बिकम्स बिगर अब आप देख सकते हैं कि लाइट सोर्स करीब भी है और नीचे भी है तो शेडो बिकम्स वेरी बिग ह्यूज शेडो बनता जा रहा है ये देखें अब ये लेकर जाएंगे तो यू कैन सी द शेडो बिकम्स वेरी स्मॉल ठीक है और टॉप पे आप लेकर जाएंगे शेडो को बेसिक लाइट सोर्स दूर है शेडो बिकम्स वेरी स्मॉल लेकिन जैसे ही आप इसको करीब लेकर आएंगे शेडो बिकम्स बिग सो करीब जब लाइट होती है लाइट सोर्स जब किसी ऑब्जेक्ट के करीब होता है तो उसका शेडो हमेशा बड़ा बनता है और जब वो दूर चला जाता है तो लाइट जो शेडो है वो छोटा बनता है ठीक है इसके अलावा इनकी लेंथ जो है वो इंक्रीज और डिक्रीज होती है जब लाइट सोर्स नीचे होता है तो शेडोज लेंथन हो जाते हैं जैसे कि मॉर्निंग और इवनिंग में होते हैं वेयर एज वेन द लाइट सोर्सेज एट द टॉप सो यू कैन सी द शेडोज बिकम वेरी शॉर्ट कैन यू ऑब्जर्व दिस इसी तरीके से आपका सन जो शेडो सन की वजह से जो आपका शेडो बनता है वो मॉर्निंग और इवनिंग में दे आर लॉन्गर वेयर एज एट द नून दे आर दे बिकम शॉर्ट मॉर्निंग एंड इवनिंग मी स्विच ऑफ द टॉर्च अगेन मॉर्निंग और इवनिंग में shadows longer hotel whereas in the noon they become short Kava the source when it is closer the shadow becomes very big whereas when it is away they become very small so this is how the shadows are made. okay my dear students now let's quickly move forward towards the evaluation so quickly tell me that what are the factors that affect the size size of the shadow there are two uh, two factors one is positioning. एंड अदर इज द डिस्टेंस ठीक है क्या पोजिशन है इज इट एट द टॉप इज इट इन द राइट और द लेफ्ट किस तरीके से है शेडो का पोजिशन लाइट सोर्स की पोजिशन इसके अलावा कितना दूर या करीब है पोजिशन एंड डिस्टेंस दे इफेक्ट द साइज एंड शेप ऑफ द शेडो Okay, my dear students. Now is the time for practice. For practice, you can download this worksheet from the description box below this video, or you can get it and print form by a teacher. Write down your name and roll number. What are the factors that affect the size of the shadow, position, and distance that it is? Which position of the shadow is correct, and why? So, my dear students, here you can see the sun is here, and the shadow is here. Is it correct? Kaha hona chahiye shadow? Shadow will be here. So this is wrong. So, number B picture is the correct one. Here is the sun, and the shadow is made here. So, this picture is correct. Why? Because the light is blocked, and the shadow is always in the opposite side of the light source. Okay? Next is fill in the blanks by choosing the word from the blank size, bigger, shape, position. The closer the object uh, is to the light source, the dash, the shadow, the bigger will be the shadow. Next is shadows can change dash according to how near or far the object is from the light. The shadows can change size. Shadows can change their shape according to where the light is. Shadows also always have their objects. Sorry.

I hope everybody has done it. Now, let's quickly move forward towards the homework. For homework, you will do question number 5 from section B, given on page number 90, and you will do question number 5 from section C, page number 90. My dear students, um, now move forward towards the wrap up. So, today we have learned that the size of shadows depends upon the distance of the object from the light source and position of the light source. So, my dear students, the shadow will be bigger if the uh, source is closer to the object. The size of the shadow vary due to the position of the light source. So, my dear students, now I hope you know that how the shape and size of the shadow affects by the position and distance of the light source. Keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much and Allah Hafiz.